नमस्कार कक्षा दसवीं वाले छात्र जल्दी से अपना इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा इस पेपर का पूर्णांक पिच्तर अंकों का होने वाला है समय तीन घंटे का आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो तो ये पेसेज आपकी परीक्षा में आने वाला पांच नंबर का सबसे पहले आपको पेसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको पांच क्वेश्चन दिए गए पांचों के आंसर आपको पेसेस में से छाट कर लगाना है तो पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन आपको लिखना होगा सी वाला इज राइट आंसर अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला ठीक है और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड तो इसमें आपको लिखना होगा right यहाँ पर बी वाला अठारह तिरसठ अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा चौथी में आपको राइट आंसर लिखना होगा पर ए वाला उन्नीस सौ बीस और पांचवी में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला ठीक है सभी के आंसर आपको आसानी से पेसेस में से मिल जाएंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिएगा इसमें भी आपको एक पेशे दिया हुआ है आप पेसिस को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको पांच क्वेश्चन दिए जाने वाला है क्योंकि ये पेसिस आपकी परीक्षा में पांच नंबर का आने वाला है पेसिस को पढ़ लीजिएगा पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका पहला क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा डी वाला ठीक है दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर ए वाला

गिवन बिलो मतलब क्या करना है आपको सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है पढ़ने की इसके नीचे आपको दो दोनों के आंसर आपको पेसेस में से देना होगा किस प्रकार से आप परीक्षा में देंगे इनके आंसर तो सबसे पहले समझ लीजिएगा पहले क्वेश्चन आपको सबसे पहले नोट्स यहाँ पर बना के लिखना होगा ठीक है नोट्स आपको तैयार करना है और दूसरे क्वेश्चन आपको इस का टाइटल शीर्षक आपको देना है ठीक है टाइटल आपको लिखना होगा तो इनके आंसर आपको अच्छे से बता देंगे किस प्रकार से आपको टाइटल और नोट से बनाना है अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल अस किंग थ्री डेस लिव अस यू आर लाइव मतलब क्या करना है इस क्वेश्चन में आ, तीन दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने प्राचार्य जी को एक एप्लीकेशन लिखना होगा प्रार्थना पत्र आपको लिखना है इस क्वेश्चन में और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है समर वेकेशन के ऊपर आपको अपने मित्र को आ, एक लेटर एक पत्र आपको लिखना होगा ठीक है जिससे चार नंबर या से हो जाएंगे इनके आंसर भी आपको बता देंगे अब पर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देख लीजिएगा में आपको क्या करना है किसी एक टॉपिक पर आपको देख में आपको एक पिक्चर दिया है एक चित्र आपको दिया है इसको सावधानी पूर्वक आपको देख लेना है इसको समझकर आपको क्या करना है इस में? आ, एक आपको लिखना होगा ठीक है जिससे तीन नंबर यहाँ से कम्पलीट हो जाएंगे तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे अब यहाँ पर सेक्शन सी से हमारा ग्रामर वाला क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिएगा तो आपको क्या करना है की पूर्ति करना है जिससे पांच नंबर यहाँ से कंप्लीट होने वाले आपके तो इनके आंसर में आपको फटाफट बता देता हूं जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया मेनी प्लेयर्स तो इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना है तो इसमें आपको लिखना होगा राइट एंड आपको लिखना है ठीक है दूसरा आपका दिया दूसरे में आपको, right आपको सम एनी मेनी का प्रयोग करना होगा तो दूसरी में आपको लिखना होगा यहां पर एनी क्या लिखना है दूसरे में आपको एनी लिखना है ठीक है और तीसरा आपका दिया है जिसमें ए द का प्रयोग करना होगा तो तीसरे में आपको लिखना होगा अन ए एन आपको लिखना है इसमें और चौथा आपका दिया जिसमें सिंस फॉर इन का प्रयोग करना होगा तो इसमें आपको लिखना होगा सिंस लिखना है और पांचवा आपका दिया जिसमें बीकम बीम स बी कमिंग इनका प्रयोग करके आपको लिखना होगा तो पांचवी में आपको राइट आंसर लिखना है और राइट आंसर माई आपको लिखना है ठीक है अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना आपको डू अर्स डायरेक्टेड एनी फाइव आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है प्रेजेंट टेंस में आपको इस सेंटेंस को पर चेंज करके लिखना होगा और दूसरे में आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होगा और तीसरे में आपको इसको सही क्रम में वर्ग के अनुसार आपको सही क्रम में जमा के लिखना होगा ठीक है और चौथे में आपको क्या करना है एट का प्रयोग करना है और पांचवी में आपको सो डेट का प्रयोग करना होगा और सिक्स वाले क्वेश्चन में आपको ई पर के स्थान पर सॉरी अनलिस के स्थान पर आपको यहाँ पर इप का प्रयोग करना है तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा अब यहाँ पर सेक्शन डी से हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिएगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर क्या करना इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देना होगा तो हमारे यहाँ पर सही विकल्प जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा हाउ मच मनी डेड लेंच वांट तो इसमें आपको लिखना होगा हंड्रेड पीसोस आपको लिखना है ठीक है ए वाला इज राइट आंसर दूसरा आपका दिया है डश नो ऑफ स्नो के यहाँ पर जो हमारी जो पोईम है इनके यहाँ पर पोइट मतलब कभी कौन है ये आपको बताना होगा तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला इज राइट आंसर अब यहाँ पर थ्री वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें आपको लव आपको लिखना है और फोर वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना होगा फ्लाइंग बी वाला इज राइट आंसर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन देख लीजिएगा इसमें आपको एक कावेंस दिया है जो आपकी परीक्षा में तीन नंबर का आने वाला है सबसे पहले आपको इस कावेंस को पूरा अच्छे से देख लेना है पढ़ लेना है इसको बनने के बाद इसके नीचे आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर बी वाला क्लियर आपको लिखना होगा और दूसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर बी वाला आपको लिखना है ठीक है और तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला ब्लैक एरोप्लेन अब यहाँ पर, पर क्वेश्चन टेन का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें आपको पोएम्स की आ, कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई है ठीक है तो इनको देख लीजिएगा इनको देखने के बाद इसके नीचे आपको तीन क्वेश्चन दिए तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रॉम विच पोएम हैव द दब लाइन बिन टेकन जो हमारी जो लाइन दी गई है इसकी कौन सी पोएम से ली गई है उस पोएम का नाम आपको बताना होगा तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा इसमें आपको राइट आंसर सी वाला द बाल पोएम आपको लिखना है और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा दूसरे क्वेश्चन में आपको बी वाला इज राइट आंसर लगाना होगा तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है वेयर डिड द बाल गो जो बाल थी वह कहाँ पर चली गई थी तो इसके बारे में आपको लिखना होगा तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ तो यहाँ पर लिखना होगा द द बाल द बाल वेंट द बाल वेंट इन द वाटर यह आपको लिखना है यहां पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर ठीक है अब आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लीजिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट थर्टी वर्ड आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर बारवा इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिए तीनों में सिर्फ आपको दो क्वेश्चन के जवाब देना होगा इनके आंसर भी आपको बता देंगे तेरहवा क्वेश्चन आपका दिया ठीक है तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे क्वेश्चन नंबर चौदह देख लीजिएगा के बाद आपका पंद्रह सोलह सत्रह सॉरी यहां पर सोलह तक क्वेश्चन आपके दिए है ठीक अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल मतलब फुल सॉल्यूशन बता देता हूं तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखते जाइए और साथ में आपको याद भी कर लेना है तो सेक्शन ए से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था पेसिस वाला तो पेसिस के आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए है ठीक है उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दो में भी आपको एक पेज से दिया हुआ था जिनके आंसर आपको लिखना था तो इनके आंसर आपको दिए हुए ठीक है अच्छे से लगा लीजिएगा और सेक्शन बी से हमारा टाइटल एंड नोट्स से आपको बना के लिखना है तो टाइटल आपका ये हो जाएगा ठीक है इसके साथ आपको नोट्स से दिए इस प्रकार से आपको पॉइंट पॉइंट के माध्यम से नोट्स से बना के लिखना होगा एग्जाम में पूरा देख लीजिएगा ठीक है और सेक्शन सी से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया था फिल इन द ब्लैंक्स तो इनके आंसर आपको दिए गए इसके साथ ही डू एस डायरेक्टेड जो आपके पूछे गए थे इनके आंसर भी आपको साथ में दिए हुए हैं पूरा देखते जाइए ठीक है ठीके? इसके साथ ही यहाँ पर सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको दिया हुआ है पूरे के पूरे और क्वेश्चन नंबर टेन के आंसर पर दिए ए के और बी के आंसर भी आपको दिए हैं अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर पूछेगा था जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा तीन दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल जी को तो यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है जो डेट हमारी दी गई है जो भी जिस तारीख को आपका पेपर है वो डेट आपको लिख देना है ठीक है और जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको लिख देना है सब्जेक्ट आपका दिया है और इस प्रकार से आपको लिख देना है पूरा का पूरा नीचे आ, क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ तो नीचे आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना जो भी आपका नाम है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारा और वाला अत वाला क्वेश्चन था जिसमें एक लेटर आपको लिखना था अपने जो अपने दोस्त हैं मोनिका उनको तो यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार से आपको लेटर लिखना होगा जो भी आपका एड्रेस है वो आपको लिखना होगा और तारीख आपको डेट आपको लिख देना है ठीक है इसके साथ ही नीचे आपको अपने दोस्त का यहाँ पर नाम लिख देना है ठीक है इसके साथ यहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको दिया जिसमें इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स और वैल्यू ऑफ गेम्स दोनों सेम ही है कोई दिक्कत ना तो इसके बारे में आपको एक ए से एक निबंध आपको लिखना था तो इसका आंसर भी हमने आपके लिए दे दिया है ठीक है पूरा देख लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन टेन के पहले वाले क्वेश्चन पर तो इसका आंसर आपको दिया है दूसरे का आंसर आपको दिया है ठीक है तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और तीसरे के बाद चौथे का आंसर आपको दिया है पूरा अच्छे से पढ़ते जाइए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपको दिया पूरा देख लीजिएगा अच्छे से ठीक है और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपको दिया हुआ है और इसके साथ ही सेवन का आंसर आपको दिया है ठीक है पूरा देख लीजिएगा के बाद पर क्वेश्चन का पहले का और, और इसके साथ है अब यहाँ पर तेरहवें दूसरे का आंसर आपको दिया हुआ है।, है तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और चौदह क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा पहले का आंसर आपको दिया इसके साथ इसका और वाला का आंसर आपको दिया हुआ है पंद्रवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा आप पंद्रह का आपको और वाला का आंसर भी से मिल जाएगा पंद्रवे के बाद यहाँ पर सोलवे क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिएगा सोलवे के बाद आपको यहाँ पर सोलह क्वेश्चन का और वाला का आंसर पूरा का पूरा ठीक है तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है तो मिलते अगले वीडियो में